दिल्ली के अंदर इन्होंने ये बात सोची थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, विधायकों को हम तोड़ लेंगे, सरकार को खत्म कर देंगे, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर के एकजुटता के साथ इनकी तानाशाही का मुकाबला किया है, इस गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को और ताकत दिया है, और एकता दी है, संघर्ष करने की हिम्मत दी है। और उसके तहत हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी पूछते थे, बहुत सारे लोगों को देश भर में प्रश्न था कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद चुनाव प्रचार कैसे होगा, चुनाव अभियान कैसे चलेगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, आज अरविंद केजरीवाल जेल में जरूर हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे मजबूती के साथ अगर किसी पार्टी का चुनाव अभियान चल रहा है तो आम आदमी पार्टी का चल रहा है। हमने दिल्ली के अंदर जेल का जवाब वोट से, सबसे पहले हमने पहला चरण का अपना कैंपेन, डोर टू डोर कैंपेन जेल का जवाब वोट से शुरू किया था। पूरे दिल्ली के अंदर 4 सीटों पे जहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, साउथ दिल्ली और नई दिल्ली, वहां पर हमने घर घर जा करके जेल का जवाब वोट से कैंपेन हमने सबसे पहले चरण में शुरू किया था। दूसरे चरण में हमने पूरे दिल्ली के अंदर चारों लोकसभा सीटों पर जेल का जवाब संकल्प सभा की हमने शुरुआत की, जिसमें बड़े पैमाने पर हर वार्ड में ये संकल्प सभा हो रही है। और इस वार्ड की संकल्प सभा में जिस जोश के साथ लोग आ रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, आज शायद किसी भी पार्टी की इस तरह की सभा नहीं हो पा रही है वार्ड लेवल पे। तीसरे चरण में हमने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का संदेश लेकर के सुनीता केजरीवाल जी का रोड शो शुरू किया, जो पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है। इन तीन चरण का जो कैंपेन हमारा है वो लगातार निरंतर दिल्ली के अंदर जारी है, जनता का हमें लगातार समर्थन मिल रहा है, और हमने इस पूरे अभियान को अभी भी 23 तारीख तक के लिए हमने लगातार इसको कंटिन्यू रखा है। अब दिल्ली के अंदर इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे 7 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है। 3 सीटों पे जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट, वहां भी कैंडिडेट्स का नामांकन हो चुका है। अब हमने फैसला लिया है, ये जो कैंपेन है इसका चौथा चरण हम 13 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, 13 मई से लेकर के 23 मई तक। 23 मई को लास्ट प्रचार का दिन है, 23 मई को प्रचार बंद हो जाएगा। तो ये 10 दिन का इंटेंसिफाई कैंपेन आम आदमी पार्टी अपने चौथे चरण का कैंपेन जो है उसको लेकर के अब जनता के बीच में जाएगी। इसके लिए हमने 4 मुख्य तौर पर अलग अलग जो समाज का हिस्सा है उनको हम टारगेट कर रहे हैं। जो हमारा जो चौथे चरण का कैंपेन है उसमें हम पूर्वी दिल्ली लोकसभा से ट्रेड टाउन हॉल हम शुरू करेंगे, जो सभी लोकसभाओं में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। दूसरा, हम लोग पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से ग्रामीण पंचायत की शुरुआत करेंगे, नई दिल्ली लोकसभा से महिला संवाद की हम शुरुआत करेंगे, और साउथ दिल्ली लोकसभा से पूर्वांचल समागम की शुरुआत करेंगे। ये जो चारों अलग अलग जो सोशल सेगमेंट है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों में इनका एक अहम रोल है। पूर्वी दिल्ली से ट्रेड टाउन हॉल, पश्चिमी दिल्ली से ग्रामीण पंचायत,
नई दिल्ली से महिला संवाद और साउथ दिल्ली से पूर्वांचल समागम, ये हम इन लोकसभा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं 13 तारीख से 23 तारीख के बीच में। ये सभी कार्यक्रम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे।